हेलो फ्रेंड्स सिक्लाम आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं ये रेडीमेड ब्लाउज है इस ब्लाउज की हमें बाजू लगानी है जो बाजू हमारे ब्लाउज के साथ में आई है वो तो इस ब्लाउज में लगाएंगे और इसके जो ये कप्स है वो हम निकालेंगे अभी मैंने एक वीडियो बना रखा है जो गाउन के कप्स कैसे निकालते है वो बता रखा है चैनल में जाके उसको भी देख सकते हैं इसके जो कप्स है वो मैं अभी निकालूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज के कप्स कैसे निकलते हैं और ये बाजू कैसे लगाई जाती है तो बाजू के छंट हमने निकाल लिया है इस तरीके से और अब हमें बाजू है जो लगानी है तो जिस साइड में छंट निकला हुआ होता है वो साइड आगे रहती है और जो साइड छंट कम निकला हुआ होता है वो साइड पीछे रहती है तो जो रेडीमेड ब्लाउज होते हैं उनमें और रेडीमेड गाउन में बाजू तरीके से लगती है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी ये जो साइड से है वो इसको खोल लेंगे हम ब्लेड की सहायता से खोल लेते हैं पहले ताकि इजीली हमारा ये खुल जाएगा तो इसको खोलने के बाद हमारे दोनों काम हो जाएंगे बाजू भी लग जाएगी और साइड से कप्स भी निकल जाएंगे तो कप्स तो आजकल हर चीज में आते ही है चाहे गाउन हो चाहे ब्लाउज हो ने साइड से ये सारा खोल लिया है अब इसके नीचे क्या होता है अस्तर है अस्तर है और हमें ये कप्स निकालने बार अस्तर है उसको हम उठा लेंगे और इस तरीके से हम इसके अंदर हाथ डाल के इस कप्स को बाहर निकाल लेंगे तो कप्स में अंदर सिलाई लगी होती है उसको आपको खोलना पड़ेगा ये छोटी सी एक सिलाई दे रखी होती है इसको हमें निकालना पड़ेगा इस तरीके से ये आप देख सकते हैं दोनों साइडों से सिलाई लगी होती है तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं इसको आपको इस तरीके से ऊपर ले लेना है ताकि आपकी सिलाई है वो इजीली खुल जाएगी अब ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा तेब लगा रखा है सिलाई ज्यादा सिलाई नहीं की होती बस एक हल्का सा तेब ही होता है तो इसको हम इस तरीके से हटा देंगे ये आप देख सकते हैं ऐसे ये हट गया कप और अब हम जो अस्तर हमने बाहर निकाला था उसको इस तरह अंदर डाल के और हमने सेट कर दिया वह दूसरी साइड का कप निकाल देंगे ये देखिए इसी तरीके से हमें वापस सिलाई खोलनी है ध्यान रहे आपका ब्लाउज है या कोई भी कपड़ा है वो कट ना जाए ब्लेड से क्योंकि आपको बड़ी सावधानी से इसकी कटिंग करनी होगी अपने हाथ का भी ध्यान रखें हाथ भी ना कट जाए और छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा ब्लेड से दूर रखें उनको पास मत आने दें तो ये देखिए इसी तरीके से हमारा दूसरा साइड भी खुल चुका है और अब हम इसको उल्टा कर लेंगे इसी तरीके से अस्तर को उठाएंगे और इसी तरीके से कप्स को बाहर ले लेंगे आप कप्स को खींच के बाहर ले लीजिए और इस तरीके से इसकी सिलाई है वो हम खोल देंगे तो अब हम क्या करेंगे कप्स को इस तरीके से दबा के नीचे डाल देंगे ऐसे नीचे डालने के बाद हम यहाँ की सिलाई है वो खोल देंगे ये देखिए बहुत आसान है आप घर पे ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं और ये देखिए दोनों कप्स हैं वो बाहर आ चुके हैं कप्स निकल चुके हैं तो अब अस्तर को वापस इसी तरीके से सेट कर देंगे तो अब आप देख सकते हैं ब्लाउज अब बहुत हल्का हो चुका है कप्स निकलते ही ये बहुत सीधा हो चुका है तो ये पहनने में इजी रहेगा नहीं तो बहुत भारीपन लगता है ये देखिए अब बहुत सीधा हो चुका है वर्क भी अच्छा है इस ब्लाउज का तो अब हम इसकी बाजू लगा के सिलाई कर देंगे तो बाजू कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ अब हम जो ये बाजू है वो लगाएंगे तो इसकी ये साइड की सिलाई हमने खोल ही दी है निकाले थे इसलिए हमें क्या करना है जो कि है यहाँ से हमारा और यहां से हमने एक कट का निशान लगा रखा है जो बीचो बीच सेंटर में आएगा तो इस सेंटर वाले निशान को हमें इस तरीके से इसको सीधा करना है ऐसे करके आपको बहुत इजी तरीके से बाजू लगाना बता रही हूँ कि रेडीमेड कपड़ों में आप बाजू कैसे अटैच करें तो ये देखिए जो हमारे सेंटर वाला पॉइंट है इसको हमें कंधे वाले पॉइंट पे रखना हो हमें इसके कंधे के पॉइंट पे रखना है और फिर हमें इस तरीके से आगे वाला जो हिस्सा है वो देखते जाना है कि हमारा ब्लाउज की जो बाजू है कितनी बड़ी है इस तरीके से आप आधा इंच हल्का सा दाब में लेते हुए इसके ऊपर सिलाई चला देना है इस तरीके से आप सीधे करते जाइए और जो आगे का हिस्सा है वो आगे रखना है और इसी तरीके से हमें ऐसे आधा आधा इंच दाब में लेते हुए ये जो बाजू है वो तो हमें नीचे रखनी है और जो ब्लाउज का पीस है जो सिला हुआ ब्लाउज है वो हमें ऊपर रखना है ताकि ये पाइपिंग और सब है ना डिज़ाइन वो ऊपर आ जाए नहीं तो क्या होता है अंदर चली जाती है अब ये देख सकते हैं आप मोढ़े का निशान है जो कंधे का ये आ चुका है और जो हमने ये निशान लगाया था वो वाला इसके ऊपर से हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है और अगर गोलाई आ रही है तो आप गोलाई के हिसाब से ही सिलाई लगाइए अब एक बात का ध्यान रखिए अगर आपका कपड़ा यहाँ कम पड़ रहा हो तो इसके मैचिंग का कोई भी कपड़ा आप यहाँ साइड में लगा के कंप्लीट कर सकते हैं अगर इतने में कंप्लीट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है अगर कम पड़े तो आप साइड में कपड़ा जोड़ लीजिए ये देखिए एक साइड की बाजू है जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है आप देख सकते हैं ये वर्क है वो भी ऊपर आ चुका है तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए चाहे ऐसी हल्की पाइपिंग हो चाहे इतनी मोटी पाइपिंग हो साइड में पाइपिंग आती जरूर है अगर पाइपिंग नहीं भी आए तो भी आपको बाजू ऐसे ही लगानी है जो रेडीमेड बाजू आती है वो ऐसे ही लगती है तो ये देखिए नीचे से भी बहुत अच्छे से सफाई से आ गया है इसका कपड़ा अंदर ये देखिए बस आपको इसी तरीके से बाजू लगानी है नीचे इसको रखना है बाजू को और ऊपर इस कपड़े को रख के आपको जो ब्लाउज है उसको रख के सिलाई लगा लेनी है इसी तरीके से मैं दूसरी बाजू लगाऊंगी अगर इसमें समझ नहीं आए तो आप उसको देख सकते हैं इस बाजू को भी हमें इसी तरीके से सेट करना है ये देख सकते हैं आप ये पाइपिंग आ रखी है इसको हमें ऊपर रखना है इस बाजू के बाजू में कोई पाइपिंग नहीं है तो हमें इसी तरीके से ऐसे ऊपर रखते हुए बनानी है तो ये निशान हमने दे रखा है और यहाँ पे ये मोड़ों वाला निशान है इस निशान से इस निशान को मोड़ों के निशान को इस निशान से मिलाते हुए हमें यहाँ तक जाना है क्योंकि शुरुआत हमें आगे से करनी है हम बाजू को जोड़ देंगे और मार्जिन है वो आप आधा आधा इंच का लेते हुए चलिए कि कपड़ा है जो बाद में से नहीं खराब ना होगा ऐसे आपसे सेट नहीं बैठ रहा तो आप पिनअप भी कर सकते हैं पिन से सेट कर लीजिए पहले फिर एक एक करके आप निकालते जाइए और सिलाई करते जाइए और ऐसे ही हो रहा है तो ऐसे कर लीजिए ये पाइपिंग है मैं ऊपर रख रही हूँ और कपड़ा है वो नीचे रख रही हूँ ये देखिए अब फिर से हमारे मोटे वाला निशान आ गया और ये निशान हमने कंधे पे दिया था वो वाला है इसके ऊपर से हम इसको सिलाई लगा देंगे यहाँ पे गोलाई आई है तो हमें गोलाई देनी पड़ेगी इस चीज का भी आप ध्यान रखना तो ये काम आपके अगर मशीन है सिलाई वाली तो आप घर पे कर सकते हैं ज्यादा मुश्किल काम नहीं है इसी तरीके से आई होप कि मैंने आपको ये जो बताया है वो आपको पसंद आ गया हो आपको ये बाजू लगाना समझ में नहीं आया है कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं बाजू तो की दूसरी वीडियो बना के आपको बता दूंगी की इसको कैसे लगाते हैं ये बाजू है जो साइड से लग के कम्पलीट हो चुकी है आप देख सकते हैं अब हम अंदर की जो ये फिटिंग है उसकी सिलाई देनी है तो वो आप अपने साइज के अनुसार दे लेना मैं अब इसकी फिटिंग कर लेती हूँ दूसरी साइड से हमने सिलाई लगा ली है फोल्ड करके ये देख सकते हैं अब हम इसको सीधा कर देंगे तो आपको बता देती हूँ सीधा करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ये ब्लाउज देख सकते हैं ये पीछे का साइड है जो पीछे ऊखे और इसमें लगे हुए हैं और ये आगे का साइड है और बाजू हमने लगा के कंप्लीट कर दिया है ये आप देख सकते हैं अच्छे से बाजू लग गई है साइड की सिलाई भी हमने अच्छे से कर दी है इसके कप्स हमने निकाल दिए हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद